Welcome to Be Clever. Please subscribe to my channel and click the bell button for notifications. नमस्ते बच्चों, क्या आप रंगीन पक्षियों से प्यार करते हैं? यदि ऐसा है तो आप एक इलाज के लिए हैं, क्योंकि आज हम दुनिया के सबसे जीवंत और राजसी पक्षियों में से एक मैको के बारे में बात करने जा रहे हैं। कथावाचक, मैको एक प्रकार का तोता है जो दक्षिण और मध्य अमेरिका का मूल निवासी है। ये दुनिया के सबसे बड़े तोतों में से एक है, जिसकी कुछ प्रजातियां 3.5 फीट तक लंबी होती हैं। कथावाचक, मैकोज नीले, हरे, पीले और लाल सहित चमकीले और सुंदर रंगों की श्रेणी में आते हैं। उनके पास एक विशिष्ट झुकी हुई चोंच होती है, जिसका उपयोग वे नट और बीजों को तोड़ने के लिए करते हैं, और वे अपनी चोंच का उपयोग चढ़ने और खेलने के लिए भी करते हैं। कथावाचक, मकाऊ बहुत सामाजिक पक्षी हैं और वे बड़े झुंड में रहना पसंद करते हैं। वे एक दूसरे के साथ कई तरह की चीखें और कॉल का उपयोग करके संवाद करते हैं। कथावाचक, जंगली में मैकोस फल, मेवे और बीजों के आहार पर भोजन करते हैं। उनके पास एक अद्वितीय पाचन तंत्र है, जो उन्हें कठोर पौधों की सामग्री को तोड़ने और उससे पोषक तत्व निकालने की अनुमति देता है। कथावाचक, दुख की बात है कि मकाओ की कई प्रजातियों को निवास स्थान के नुकसान और अवैध पालतू व्यापार से खतरा है। यही कारण है कि इन खूबसूरत पक्षियों और उनके घरों की रक्षा करना इतना महत्वपूर्ण है। तो अगली बार जब आप एक मैको देखें, तो याद रखें कि वे कितने खास और महत्वपूर्ण हैं, और उन्हें बचाने में मदद करने के लिए आप जो कर सकते हैं वह करें। आज हमारे साथ अद्भुत एक प्रकार का तोता के बारे में जानने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप पक्षियों की अद्भुत दुनिया की खोज करना जारी रखेंगे। Thanks for watching. Please stay tuned for more videos.